सद्दसार संखार। ये संखार शब्द पाली के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है। और ये संखार का कोई और शब्द नहीं हो सकता, क्योंकि संखार पाली में सबसे ज़्यादा जबरदस्त शब्द है धम्म के बाद। संखार जो होता है आज की डेट में, उसे जो बनाया गया या बाद में बनाया गया, उसको संस्कार बोला गया। और पुराने समय में जो पाली भाषा के अंदर, यानी जब संस्कार शब्द इसका नहीं बोलते थे, तब इसको संखार बोलते थे या संखारा। संखार है क्या बेसिकली? बहुत साधारण से शब्दों में अगर मैं कहूँ आपको, तो आपने आज एक सेब खाया, पहली बार एक सेब खाया, और वो सेब आपको जैसा भी लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, खट्टा लगा या मीठा लगा, सख्त है या मुलायम है, सड़ा हुआ है या बहुत ज़्यादा अच्छा है, खुशबूदार है, कच्चा है या पका है, जैसा भी आपने खाया, उसके सारे गुण उसको देखने से लेके, हाथ में पकड़ने से लेके, मुंह में जब दांत से काटते हैं, जीभ से उसे चबाते हैं, और जब इंस्टेंटाइन से यानी आँख से उसे नीचे उतारते हैं, वो इसमें पेट में जाता है, और पेट में जाने के बाद जब तक वो प्रक्रिया करता है या उसकी डकार आती है, ये जितने भी एक्ट होते हैं उस सेब के साथ में, ये सारे के सारे बॉडी में इकट्ठे होके एक साथ कहीं सुरक्षित हो जाते हैं। वो जो शरीर में सुरक्षित हो गए हैं, वो कोड फॉर्मेशन, यानी जो कोड की फॉर्मेशन हुई है या जो फाइल बनी है, उस सारी इन्फॉर्मेशन की, सेब के सारे एक्सपीरियंस की जो फाइल बनी है आपके शरीर में, उस फाइल को कहते हैं संखार, यानी संस्कार। ये संखार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान बुद्ध की रिसर्च का, उनके ज्ञान का, उनके हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का संखार सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। ये बार बार आएगा, इसलिए इसमें संशय ना रखें। मैं इसे बार बार और भी उदाहरणों से आपको बीच में बताता रहूँगा, जब आपको प्रत्यय समुत्पाद बताऊँगा। धन्यवाद।